किसी प्रकार की टोका टाकी मत करवाएं। आप बैठ जाइए, पीछे आ जाओ प्लीज, मंच के सामने मत खड़े होइए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना प्लीज। और ये रेड है छात्र की तरफ से, बिक्का छात्र, और ये सुनील और बिच्छू पंचायत विभाग में सेक्रेटरी अंक लेने में सफल रहा। और फिर रेड पर है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है बिहोली गांव का बेटा रतन लाल उर्फ लाल, जिला पानीपत। बड़े बधाई के पात्र हमारे गांव के मुखिया, एक अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, सरपंच नहीं कहूंगा मैं, एक चौकीदारे के रूप में सुबह से अपनी जिम्मेवारी संभाले हुए हैं, मंचासीन है, खेल समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आए हुए अतिथियों का मान सम्मान कर रहे हैं। और ये भी लांडी जीप का विजेता है रेडर के रूप में रतन लाल के साथ। और मैं अनुरोध करूंगा सांच गांव की टीम से वो 5100 रुपए की धनराशि खेल समिति से लेकर जाए। पप्पू सांच, पप्पू सांच, और ये रेड पर है विकास फरमाना, फिर रेड पर है बिक्का छात्र, एक भाई रेडर है दूसरा कैचर है विक्रम और बिक्का छात्र। और ये सुनील कुमार और बिच्छू, कोई बात नहीं नोट कर लेंगे। और ये सरेंडर किया भाई, भाई फाइनल में अपने आप हमारे पास वैल्यूएशन है, चिंता मत करिए गुरु जी, श्रीपाल जी फाइनल में अपने आप वैल्यूएशन कर लेंगे, उसके हम पॉलिसी खिलाड़ियों को डिस्क्लोज कर देंगे। और ये रतन लाल लाल ताकत का एक भरपूर खजाना, पुश आउट किया खिलाड़ी को, पॉइंट मिला फरमाना जिला सोनीपत को। फिर एक पर वेदपाल मोर गांव छात्र जिला जींद, इनके पिताजी अच्छे खिलाड़ी रहे, रेसलर रहे हैं अजमेर। क्या बात है यार, क्यों टोक रहे इसको भाई, ट्रेंड आदमी बैठिए, ये तो कंपटीशन नहीं है। बलवान सिंह आप ही अपनी जिम्मेवारी को संभालिए, अब इंडिकेट करिए जब ये चलेगी तो बटन दाब लो, बस अपने आप ही बच जाएगा। समय से पहले यदि खिलाड़ी पहुंचता तो उसको ऑफ कर दें आप। और ये पंचायत सेक्रेटरी विकास फरमाना अंक लेने में सफल। फ्री रेड पर है विकी छात्र, राजेश जी के भतीजे हैं जिन्नस और जतिन, मंच के सामने उनसे मिले भाई, जिन्नस और जतिन। और ये है रतन लाल उर्फ लाल, बड़े बधाई के पात्र हमारे सभी दानवीर कर्ण, चाहे हरेंद्र पहल जी सरपंच आहुलाना, दिलबाग सरपंच जी नयाबास, कुलदीप ठेकेदार जी, रविंदर पहल जी सरपंच गुम्मड़, विजेंद्र धनखड़ जी, सुनील शर्मा जी,
विजेंद्र सिंह जी बोरा, सहायक जिला खेल अधिकारी देवेंद्र धनखड़ जी, अरुण डीपी जी अगवानपुर, अनिल भारद्वाज जी, सभी मेयर सिंह जी सरपंच, बड़े दानवीर कण कहो तो अतिशोक्ति नहीं होगी, काफी धनराशि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में दी है, सभी मंचासीन है। और ये हमारा सेमीफाइनल मुकाबला छात्र और फरमाणा के मध्य में, रेड पर है विकास फरमाणा और ये दीप सिरसाल लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोशिश इंसान को शिखर तक पहुंचाती। दर्शक साथियों, जो आज आप दूधिया रोशनी में वो मैच देख रहे हैं, बल्लभ का आविष्कार जिस इंसान ने किया था, सिर्फ 3 महीने वो स्कूल में गए थे, उनके अध्यापक ने उनको लैटर उनकी जेब में डाल दिया उसकी मम्मी के नाम, और ये कैच की कोशिश कर रहे हैं सुनील बिच्छू, और ये सफल कैच। आपका टॉमी पढ़ नहीं सकता, उसकी मां ने कहा था मैं मेरे बेटे को घर पर पढ़ाऊंगी। और दर्शक साथियों, जिस इंसान ने इस बल्लभ का आविष्कार किया था उसका नाम थॉमस एडिसन था, सिर्फ 3 महीने स्कूल में गया था और 10,000 बार फैल हो चुका था, 10,001 बार उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, और आज उसी की देन है आप दूधिया रोशनी में जो ये मैच बड़ी जिला सोनीपत में देख रहे हैं। यानी इंसान कोशिश करता रहता है तो उसको सफलता मिलती है। फिर एड पर वेदपाल छात्र, उस आदमी की कहानी, पहला सेमी, और ये फिर पूछिए उस इंसान से दर्शक साथियों, 21 साल की उम्र में जिसको दुकान में छोटा सा घाटा हो गया, हाँ जी मध्यांतर, 22 साल की उम्र में जो छोटा सा चुनाव हार गया, 24 साल की उम्र में फिर उसको दुकान में घाटा, 26 साल की उम्र में जिसकी पत्नी मर गई, 27 साल की उम्र में जिसको नर्वस ब्रेकडाउन होगा, जिसको मानसिक संतुलन बोलते हैं, 34 साल की उम्र में वही आदमी सीनेट का चुनाव हार गया, 45 साल की उम्र में वही आदमी कांग्रेस का चुनाव हार गया, 47 साल की उम्र में वही आदमी उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गया, और 52 साल की उम्र में दर्शक साथियों वही आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के लिए एक भटकाव था, मैं कि जिंदगी का अंतिम शख पर मेरा कहने का तात्पर्य इंसान को कोशिश करती रहने चाहिए और कोशिश ही सफलता की तरफ पहुंचाती है, असफलताओं में ही सफलता का रहस्य है, और ये सोनू चमना कोशिश कर रहा है, गांव फरमाणा जिला सोनीपत। कोशिश और संघर्ष के बगैर कुछ भी नहीं है, संघर्ष और कोशिश दोनों का कंबिनेशन इंसान को शिखर तक पहुंचाता है। सफलता के लिए 5 सिद्धि बहुत जरूरी है, पहले इंसान का करेक्टर बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद उसकी कन्विक्शन बढ़िया होनी चाहिए, उसकी कमिटमेंट प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कोर तेजी उसकी तहजीब होनी चाहिए, और 5वीं सी उसका कॉरेज सहस होना चाहिए। ये 5 सी इंसान को शिखर तक पहुंचाने का काम करती हैं और इन पर प्रभाव डालती हैं एजुकेशन, एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस, और ये वेदपाल छात्र कोशिश कर रहा है। अजीत सिंह और नीटू फरमाना, मैं अनुरोध करूंगा बहू अकबरपुर वर्सेज कालवन की टीम मैदान पर पहुंच जाए। और ये बलवान सिंह खंडा खेड़ी का इशारा, पॉइंट मिला फरमाणा जिला सोनीपत को, और शमशेर सिंह जी अहिर माजरा का इशारा, ये मध्यांतर। सकोर मुकेश कुमार जी, फरमाणा के अंक है, सुना नहीं जी, 15 जी, और भाई छात्र के अंक है 5, 10 अंकों के अंतर से फरमाणा जिला सोनीपत आगे आगे।
और छात्र की टीम उसके बिल्कुल पीछे पीछे, और ये शायद ग्राउंड चेंज कर लिया है। स्कोर ध्यान दें, और मैं अनुरोध करूंगा बहु अकबरपुर वर्सेज कालवा, एक मिनट का विराम दीजिए। बड़ी संघर्ष और ताकत का यह खेल है, जोश जुनून और जज्बे के साथ ठंडे दिमाग का खेल है। खिलाड़ी को बड़ी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, कौन कैच करेगा, कौन रेड करेगा, बिल्कुल अपने हिस्से की सारी ट्रेन बाई ट्रेन रेड जो नियम है सरते खेल समिति बड़ी सोनीपत ने बनाने का काम किया। आज 1,75,400 रुपए की धनराशि यहां से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में बड़ी सोनीपत देगा, और ये खिलाड़ी को जो धनराशि दी हमारे दानवीर करणों ने, हमारे बीच में मंचासीन है, सभी ने दिल खोलकर धनराशि, चाहे 61,000 की बात है, चाहे 31, चाहे 21, चाहे 11, चाहे 5100, और ये तो इतिहास के पन्नों में भी लिखा है, यदि इंसान के साथ बुद्धि है तो बुद्धि से सहायता करनी चाहिए, यदि धन है तो धन के साथ सहायता करनी चाहिए, और यदि कुछ भी नहीं है तो दर्शक साथियों सद्भावना से इंसान ने दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और बड़े अच्छे हमारे दानवीर कर्ण जिन्होंने काफी धनराशि फिर एक पर रतनलाल और फलाल, और ये बहु अकबरपुर की टीम खेल मैदान पर पहुंच चुकी है। मैं अनुरोध करूंगा कालवन की टीम से मैदान पर पहुंच जाए। राजू छात्र इरिगेशन डिपार्टमेंट में कनाल गार्ड के पद पर कार्यरत है, फिर एक पर वेदपाल छात्र। छात्र जिला जींद का एक बहुत बड़ा गांव है, 10,000 प्लस के मतदाता एक पंचायत का चुनाव करते हैं, और ये जंप किया था लेकिन बड़े अच्छे हमारे डिफेंडर के द्वारा सोनू चमना। हरियाणा प्रदेश में उल्टी कैंची का जो जन्मदाता संदीप मलिक उर्फ काला मोखरा, पंचायत सेक्रेटरी पंचायत विभाग हरियाणा, अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को माना गया है, उसके बाद उसकी नकल पर जो महारत हासिल है वो सोनू चमना फरमाना को जो अभी मलेशिया खेलने जाएंगे हिंदुस्तान की तरफ से, फिर एक बार अजीत सिंह उर्फ नीटू गांव फरमाना जिला सोनीपत। गुरु जी हाजिर। बड़े अच्छे हमारे टेक्निकल स्टाफ के चेयरमैन माननीय श्री पाल जी, कबड्डी कोच खानपुर कला जिला सोनीपत, एक अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं, एक अच्छे कोच हैं, आज इस हमारी प्रतियोगिता के ऑल ओवर टेक्निकल स्टाफ के चेयरमैन हैं। आइए गुरु जी अपनी मधुर वाणी से खेल और खिलाड़ियों के बारे में, माननीय अतिथियों और मुख्य अतिथियों के बारे में बखूबी जानकारी दे रहे। मैं नमन करता हूं माननीय श्रीपाल जी, कबड्डी कोच खानपुर कला जिला सोनीपत। धन्यवाद सतपाल जी, आपने इस व्यवस्था को बहुत बखूबी संभाला, और दोपहर से हमारे बीच इस कबड्डी महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान दिलबाग पहलवान जी, उप प्रधान मेरे छोटे भाई रविंद्र पहलवान जी, गांव गुमड़ से साथ में हरेंद्र पहल सरपंच आहुलाना से, और इनके सभी साथी जहां भी कोई व्यवस्था में चूक रहती वहीं मार्गदर्शन करते हैं आप। इसके अलावा जितने भी यहां सम्मानित सदस्य हैं का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप हर व्यवस्था को बखूबी संभाल रहे हैं। मेरे शिष्य अजय ठेकेदार गांव खोबड़ू से, साथ में प्रवीण आप एएमबी में स्पोर्ट्स कोटे से भरती हैं, और उनके सभी साथी जो खोबड़ू से हमारे बीच इस व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में सहयोग कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है और आप बधाई के पात्र हैं।
और कामयाब रहा रतनलाल उर्फ लाल गांव बेहोली। आपके पिताजी भी अपने समय के अच्छे खिलाड़ी थे। जोगिंदर जी और ये उल्टी कच्ची का प्रयास सोनू चमन्ना की तरफ से और कामयाब रहा रेडर छात्र से। सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमें मैदान में पहुंच जाएं। बहु अकबरपुर वर्सेज कालवन। दोनों टीमें बहु की टीम मैदान में पहुंच चुकी है। मैं अनुरोध करता हूं कालवन जिला जींद से आप भी खेल मैदान पे पहुंचे और ये अच्छी फाइट जीता उर्फ निट्टू उभरता हुआ सितारा हमारा जिला सोनीपत का और फाइट थी दीप सिरसल के साथ। अभी मैं ऑफिसर का परिचय करवा दूं। खेतों की तरफ जो ऑफिशियल हैं श्री बलवान जी खांडा खेड़ी अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी और स्टेज के दाएं तरफ यानी गांव की तरफ पंजाब में जो लीग हुई थी उसमें हरियाणा की तरफ से एकमात्र ऑफिशियल सुरेश बलबेड़ा जी और रेफरी की भूमिका में